and executive functions. Jammu and Kashmir. Separation of judiciary and executive functions. Act. इसका पूरा नाम है ये. Judicial अगेन सारा. Judicial and executive functions. Act. 1966 ये जम्मू कश्मीर ने कानून इसलिए बनाया था कि जो जजिस का काम है जुडिशल मैजिस्ट्रेट का वो क्या काम होगा और जो एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट्स हैं उनका क्या फंक्शन होगा. बस मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि जो जैसे कन्फेशन होती है किसी मुल्ज़म की, वो कन्फेशन करना चाहता है, वो कन्फेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है? वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सेटअप के मुताबिक वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट ही करेगा. एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट के फंक्शन क्या होते हैं ये इसकी कानून के मुताबिक बताया, बिल्कुल अलग अलग किए हुए हैं कि एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट जो है लाइसेंस इशू करेगा गन लाइसेंस, उसके फंक्शन हैं राशन कार्ड इशू करना, उसका फंक्शन है सब स्टेट सब्जेक्ट जे एंड के में इशू करना, या वो प्रोसेस करता है. फाइनल अथॉरिटी जो है वो डिप्टी कमिश्नर जम्मू कश्मीर की होती है या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होता है जो फाइनल परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन या ये भी कह सकते हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स की होती है वो जुडिशल फंक्शन में नहीं आती है, वो एग्जेक्टिव फंक्शन में आती है. इसी तरह से इस कानून के अंदर दूसरी बात ये लिखी है कि साहब जुडिशल फंक्शन जो होते हैं ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दी गई थी. टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हम किसको बोलते हैं? जैसे सेशन जज पठानकोट है, जैसे तो ये सिर्फ अपने दायरे में अपने फैसले करते हैं जो इन बिटवीन जिला. तो जो भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट के तहत सेशन जज के पास केस आता है वो कठुआ का फैसला करता है, ना कि पठानकोट आगे फैसला करता है. इसी तरह से ये कोर्ट जो फैसला कर रही है जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अथराइज किया, इसी तरह से जो ये फंक्शंस हैं जुडिशल फंक्शंस, जब भी कोई मजिस्ट्रेट के पास कन्फेशन को मुलजम की करवानी होती है या वो करता है तो वो 164A जम्मू एंड कश्मीर के तहत है वो कानून बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं. ये जुडिशल मैजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकता है, ये एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेट के फंक्शन में नहीं आता है, ये नहीं आता है. तो इस केस में एक बड़ी हमें इस कानून के ख़िलाफ़, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का कानून है, मुझे यहाँ लोकल तो कानून, क्योंकि हमें जम्मू कश्मीर के कानून लागू करते हैं ना, तो मुझे नहीं पता सेंट्रल कानून में यह चीज़ लिखी है कि नहीं लिखी है, लेकिन क्योंकि हम गवर्न बाई सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कानून से ही सारे चलेंगे यहाँ पर और पंजाब में, लेकिन उसके तहत क्या है कि जो मजिस्ट्रेट होते हैं ये ऐसा नहीं हो सकता है कि जम्मू का मजिस्ट्रेट एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो है वो सपोजिंग जम्मू खास है, एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जम्मू खास है, जम्मू खास के जो जुरिस्डिक्शन पाँच जगह पर आते हैं, मैं आपको बताता हूँ उस तहसीलदार नायब तहसीलदार क्या है, वो जम्मू नौबाद राजपुरा तोप शेरखानिया पटोली मगोतियाँ, ये ऐसे आइडेंटिफिकेशन होती है ये तहसीलदार. अब इसके तहत रसाना नहीं है. अब रसाना कहाँ पे आता है? रसाना आता है कठुआ डिस्ट्रिक्ट, तो कठुआ से पहले आता है सांबा डिस्ट्रिक्ट. दो डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके एक नायब तहसीलदार जम्मू से उठते हैं देवस्थान पर आ जाते हैं. बड़ी कोई अजीब जैसी हमको कानून के खिलाफ होता बात लगी कि साहब ये नायब तहसीलदार साहब कोई जम्मू प्रोविंस के नायब तहसीलदार थोड़ी है कोई, वो तो उसके उनको जुरिस्डिक्शन हैं अपनी अपनी. तो ये हमारा कहना है, अभी कोई फैसला नहीं कोई किसी बात का, ये होता है ये हमारा डिफेंस की दलील है कि साहब जो ये नायब तहसीलदार ए ने किया है या बी ने काम किया है ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन किया है, बियॉन्ड टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन किया है विच इज़ इलीगल इन द आई ऑफ लॉ, ये हमारा दलील है डिफेंस काउंसिल से. अब ऐसे जो काम हुआ है ऐसा जो काम हुआ है हमारे फैसला इसका लास्ट में होगा, क्योंकि हमने कानून बताना है बातें बतानी, क्योंकि ये सिर्फ क्योंकि हम अंदर की बातें नहीं बता सकते आपको जो सारा कुछ होता है, ये सिर्फ आपको बाहर की आउटलाइन है कि जम्मू कश्मीर में ऐसा कानून है. तो जब ऐसा कानून जम्मू कश्मीर में है तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन वैसे भी एक बड़ी मोटी सी बात है कि अगर आपने FIR यहाँ पठानकोट कोई अक्रेस हो जाती है यहाँ पर तो FIR जम्मू खास थोड़ी जाएंगे आप कराने के लिए, जुरिस्डिक्शन है यहाँ पर चार थाने होंगे तो आप उसी थाने में जाएंगे जिसके अंदर जुडिशियल के अंदर वो वाकया हुआ है. सो इसी तरह से नायब तहसीलदार, इसी तरह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसी तरह से एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, ये सबको डिस्ट्रीब्यूटरी होती है ड्यूटी.
जब आप उसको एनक्रोच करते हैं किसी और, जैसे आप रिपोर्टर से, आपको एक एरिया दिया गया है, आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन की है, आप जाके दिल्ली रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप जाके यहाँ पे चंडीगढ़ रिपोर्टिंग नहीं कर, चंडीगढ़ के लिए रिपोर्टर अलग है। इसी तरह कानून के मुताबिक ये रखा है। तो मेरा ये अपना जाती तौर पर एज ए डिफेंस लायर कि जिस भी मैजिस्ट्रेट ने ऐसा काम किया है इस रसाना केस में, दैट इज़ इलीगल विदाउट ज्यूरिसडिक्शन। मैं बाद में बताऊंगा ऐसा ऐसा काम किस शख्स ने किया, क्योंकि आज मैं नहीं बताने की स्थिति में हूँ।